जहन, शो हिम द पास्ट हिस्ट्री, लेट हिम नो द प्रेजेंट सिचुएशन एंड लेट अस सी ही डेयर्स टू से ऑल इज वेल। इसका मतलब है कि लोगों को सबसे पहले इतिहास बताओ, फिर उनको प्रेजेंट सिचुएशन बताओ और फिर उनसे कहो कि भाई अब बोलो ऑल इज वेल और नॉट। ये लाइनें भगत सिंह ने लिखी अपने चैप्टर 1 के पेज नंबर 16 फ्रॉम दिस बुक। तो दरअसल लोग ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि जो पास्ट हिस्ट्री रही है इंडिया की वो अलग थी और प्रेजेंट सिचुएशन है वो अलग थी। कुछ फील्ड्स में आप इंडिया को बहुत अच्छा कह सकते हो, कुछ फील्ड में बहुत बुरा कह सकते हो, लेकिन जो रियलिटी है वो तो चेंज नहीं हो सकती। और उससे भी खतरनाक चीज क्या है कि लोगों ने रियलिटी को दो डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन रियलिटी की डायरेक्शन एक होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन दो है। कैसे? पहली है गुड रियलिटी, दैट इज जो वो लोग उसको रियलिटी बोलते हैं, सही है वो। लेकिन दूसरी जो है वह सैड रियलिटी, जिसको लोगों ने नेगेटिविटी का नाम दे दिया है। दरअसल ओके है, कई जिसको नेगेटिविटी बोलना चाहिए उसको बोल, वो होता है नेगेटिव अफर्मेशन, मतलब आप बुरा सोच रहे हो खुद के बारे में तो बुरा ही होने के चांसेस है। लेकिन जब बुरा हो रहा है उससे आप पीछा छुड़ा रहे हो कि ये तो यार नेगेटिविटी है, इसको देखो मतो, तो वो गलत है। तो ये ऐसी हिस्ट्री है और प्रेजेंट सिचुएशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑल इज वेल बोलना है या नहीं बोलना है वो आपके हाथ में है। तो भारत की कुछ ऐसी सैड रियलिटीज हैं, मतलब बहुत बेसिक हैं, जिनको आप जानते हो अच्छी तरीके से, जो उनको बदल सकते हैं हम, लेकिन उनको नेगेटिविटी बोल के लोग कट लेते हैं साइड में। तो ऐसा है कि गरीबी पहले भी थी, आज भी है, गद्दार पहले भी थे, आज भी है, अन्याय पहले भी होता था, आज भी होता है। लेकिन भगत सिंह ने जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ तक सीमित नहीं था, वो उन लोगों तक भी था जो अपने जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लाइक उन्होंने अपने चैप्टर 15 टू द यंग पॉलिटिकल लीडर्स में कहा है कि भाई मोतीलाल नेहरू के अलावा कोई भी ऐसा भारत का ग्रेट लीडर नहीं है जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके अपने कंधों पर। तो वो जो स्ट्रगल की बात कर रहे थे वो स्ट्रगल थी रेवोल्यूशन की स्ट्रगल, जो कि और बाकी नेता उसमें नहीं थे कि भाई वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके कि कैसे स्ट्रगल करवाना है लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा, यहाँ तक ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रगल्स होती है रेवोल्यूशन रिलेटेड उसमें मिडिल क्लास के लोग और कैपिटलिस्ट लोग ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि उनको रिस्क लेने से डर लगता है। भगत सिंह ने अपनी बुक में बहुत जगह मेंशन किया है कि एक रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए होता है, जो कि अपने बहुत से लोगों में नहीं है, स्पेशली मिडिल क्लास के लोगों में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा स्ट्रगल में पार्ट नहीं लेते और प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे है कि अभी भी मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, बस अपने में ही खुश रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ना अपना एक स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है ना, एक शब्द बड़ा ही अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको छोड़ना नहीं चाहते वो। जैसे कि अगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊँ थोड़ा सा, तो जैसे कि मिडिल क्लास के लोग सरकारी नौकरी प्रेफर कर रहे हैं मान लो, लेकिन अभी के टाइम में प्रेजेंट कंडीशंस में ऐसा बहुत है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है। लाइक आप बुक्स पढ़ के उनकी समरीज दे सकते हो इंटरनेट पे, या फिर आप खुद की बुक्स लिख सकते हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में जा सकते हो, ये भी एक बड़ा ही कमाल का वो है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हो यूट्यूब से, बहुत सी जगह से। लेकिन जो हम रिस्क लेने की तो ज़रूरत है देश के लिए भी और खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए भी। तो इन सभी बातों से मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है वो, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो, ज़्यादा फर्क नहीं है उन दोनों में। लेकिन जो भगत सिंह थे उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा के, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन को बदलने की कोशिश की थी। तो हमें भी वैसा ही करना होगा ना कुछ। लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि हमें कुछ बदलना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, तभी हमारे दिमाग में आता है कि काश पहले के जैसे कोई भगत सिंह होते जो अपने इस देश को सुधार सकते। तो हम ऐसा बोल के पता है क्या कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी से पीछा छुड़ा रहे होते हैं। साफ साफ है, कोई कोई मतलब
कोई अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ है कि हम अपनी ड्यूटी से पीछा छुड़ा रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए वैसी चीज़ें। क्योंकि जब देखो ना, अब ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भगत सिंह की जयंती है 27 तारीख को, तो बहुत से लोग ऐसी बातें करेंगे कि बहुत हमारे महान क्रांतिवीर भगत सिंह जी की जयंती पर सशस्त्र नमन, ऐसा मतलब बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज़ को शेयर करना, उनको फॉलो करना, ये बहुत ही कम लोगों के बस की बात है। इस फोटो में जैसा है वैसा तो बिल्कुल मत हो जाना, क्योंकि आप ड्रेस पहनो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको फॉलो करना सीखो, मतलब उनको फॉलो करो। जैसे कि अब ड्रेस है उसके नीचे लिखा हुआ लगता है वापस आना पड़ेगा, लेकिन वो बंदा खुद कह के चला गया है कि भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जिस वक्त मेरे गले में फांसी का फंदा डलेगा, जब मेरे पैरों के नीचे से वो तख्ता हटेगा, उसके बाद से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस दुनिया से। तो हमें उनको लाने की ज़रूरत नहीं है क्यों उनको बार बार तकलीफ दें, हमें उनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। मतलब उनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत कमाल की हैं, लोग पता नहीं है लोगों को अभी तक उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो भी आप सीख सकते हो, और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप अगर मुझे बताओगे तो मैं बनाऊँगा। ऑब्वियसली मेरे को ओलंपिक्स के लिए मेरे दोस्तों ने, मेरे सीनियर्स ने बोला मैंने बनाया, भगवद गीता के लिए बोला मैंने बनाया, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे खुद के आइडिया से नहीं थे, मेरे दोस्तों के या फिर मेरे मामा जी के, इनके आइडिया से थे, मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया है। तो आप भी मुझे कॉमेंट में प्लीज़ बताया करो कि भाई अगला वीडियो कैसे। तो मैं आपको ऐसे दो सजेशंस दे रहा हूँ कि पहला तो है एक चैप्टर नंबर 5 है भगत सिंह का, मतलब जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था उसके ऊपर है, और चैप्टर 15 है जिनमें उन्होंने यूथ के लिए ज़्यादा बातें की है। तो आप इन दोनों में से कौन सा देखना चाहोगे वो मेरे को कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। तो यही कहूँगा कि भगत सिंह की आइडियोलॉजीज को शेयर करना, उनके मतलब अपने स्टेटस पे भगत सिंह के कोटेशंस डाल दी, कोई सॉन्ग डाल दिया बॉलीवुड का, कोई भी डाल दिया हो, लेकिन उसके बाद रुक मत जाना, बस उनकी आइडियोलॉजीज को शेयर करते रहना, बहुत आगे तक पहुंचाने का है उनके आइडियोलॉजीज की, बहुत कमाल की आइडियोलॉजीज है उनकी। इस वीडियो से लर्निंग अगर आप लेना चाहोगे तो मैं एक पॉइंट पर अगर बताऊँ, आपको एक लाइन में बताऊँ तो कुछ ऐसा है कि आपको रिस्क लेने से नहीं डरना है पहली बात तो। मतलब कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी छोटा फील्ड बड़ा फील्ड, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है मैंने जो मतलब हम सोचते हैं ना तो अपने कोई रिग्रेट होगा कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन जब अगर आपको इंटरेस्ट रहता है तो कम से कम उसको एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अगर उसमें थोड़ा सा दिखे कुछ पॉजिटिव दिखे तो उसको आगे तक लेके जाइए, थोड़ा थोड़ा दीजिए लेकिन दीजिए ज़रूर। आप सभी को भगत सिंह की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको भगत सिंह जी के बचपन से कुछ सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो आप, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।